गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम ढोकला बनाने वाले हैं, तो आइए नज़र डालते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। सबसे पहले हमने बेसन लिया है 200 ग्राम्स। तो अभी लॉकडाउन की वजह से कोई ऐसा वेसल नहीं था हमारे पास जिससे हम मेजर कर सकें कि कितने ग्राम्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के लिए हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया और हमने ये देखा कि जो आधा किलो का पैकेट है बेसन का, उसको मैं कप्स में डालता गया तो आई रियलाइज कि ऐसे 5 कप भरते हैं। दैट मीन्स 1 कप इज़ इक्वल इन 200 ग्राम्स ऑफ बेसन। तो यहाँ पर 2 कप लिए मैंने बेसन, इसको थोड़ा हम छानेंगे ताकि इसमें गिल्टियाँ ना बने, एकदम स्मूथ बेसन होना चाहिए। उसके बाद इसका हम बैटर बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमने चीनी ली है 2 स्पूनफुल्स। अब ये देखिए कि ये है हमारा टीस्पून। जनरली लोग टीस्पून का ये साइज़ समझते हैं, बट दिस इज़ द एक्चुअल साइज़ ऑफ टीस्पून, ओके। और ये जो है ये हमारा टेबल स्पून होता है। ये हमने 2 टेबल स्पून्स लिए हैं कर्ड के, ठीक है, दही के। ज़रूरी नहीं है कि दही खट्टी हो, आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। और ये मसाले देखिए, ये हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी हींग है और थोड़ी सी काली मिर्च है, थिंस कह सकते हैं, ठीक है। और ये 2 चम्मच चीनी है और ये 2 नींबू का रस है, लेमन जूस, ठीक है। और ये बेकिंग पाउडर लिया हमने ताकि जो हमारा ढोकला है वो फ्लफ़ी बने। इसके साथ हम ये भी यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। तो इन अ वे ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, लेमन और ये कर्ड, ये इनकी वजह से हमारा जो बेसन है, हमारा जो ढोकला है सॉरी, वो काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा, ठीक है। और तड़के के लिए हम ये हरी मिर्च है, इनको फ्राई करेंगे। ये मस्टर्ड सीड्स हैं, सरसों के बीज हैं, इनको यूज़ करेंगे और थोड़ी चीनी डालेंगे, ठीक है। तो आइए, हमने बेसन ऑलरेडी थोड़ा छान लिया है, इसका हम बैटर तैयार करते हैं। तो गाइस, मैंने बैटर तैयार करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं मसाले डाल दिए मैंने और इसमें ये जो अदरक है मैंने कूटी है इसमें, ठीक है, कूट के इसमें मैं डाल रहा हूँ। और ये देखिए आप, 2 चम्मच नींबू का रस है जो इसमें हम डालेंगे। और लास्ट में हम चीनी भी डालेंगे जो हमने पहले ली है, 2 चम्मच चीनी ली है। और ये जो दही फेटी है हमने, ये भी इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें ये बात है कि रेसिपी में ये लिखा हुआ था कि आप इसको अच्छे से फेंटें, बल्कि इसको फेंट के थोड़ा रख दें, आई थिंक 2 घंटे के लिए रख दें, ठीक है। पानी भी डालेंगे, तो हमने 2 कप बेसन लिया है, इसमें हम धीरे धीरे करके 1 कप पानी डालेंगे। और बेसन में कभी भी पानी एक साथ नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है, यानी लम्स बनने शुरू हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हम धीरे धीरे डालेंगे इसमें पानी और इसको डाल के हम इसको फेंटेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो गाइस, हमारा बैटर एकदम रेडी है। इसको फेंटने का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ये जो विस्कर है इसको हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, मे बी हमको चलाना ठीक से नहीं आ रहा। तो व्हाट आई डिड वाज आई यूज दिस टेबल स्पून नॉर्मली और इससे ज़्यादा अच्छे से फेंटा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ में हम एक काम और करेंगे, अब बैटर को जब हम कुक करेंगे तो हम एक यूटेंसिल लेंगे जैसे कि ये। अब गाइस, इस बर्तन में जब हम थोड़ा सा लुब्रिकेशन करेंगे ना, ऑयल थोड़ा सा अंदर लगाएंगे, तो ये हमारे कुकर में आ नहीं रहा है। और मैंने एक सेकेंड कुकर भी चेक किया है, उसमें ये वेसल जा नहीं रहा है, यूटेंसिल नहीं जा रहा है, ठीक है। देन आई डिड दिस, मुझे लगा कि क्यों ना हम कढ़ाई में बनाएं, ठीक है। कढ़ाई हमने ली है, इसमें 2 ऐसे स्टैन मिले हैं, आई डोंट नो कहाँ से पड़े हैं हमारे पास, कब मिले थे हमें ये, पर ये एक्चुअली फिट हो रहा है क्योंकि इसमें अगर मैं ये यूटेंसिल डालता हूँ तो बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है। और यहाँ पे इस एजेस में मैं पानी डाल सकता हूँ और फिर इसको मैं ऐसे जब हीट करूँगा पानी डाल के, तो बड़ा अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर पानी मान लीजिए कम होता है तो मैं इसमें पानी एजेस से पानी यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ऐसे हम इसको कुक करने वाले हैं और अभी हम इसका तड़का लगाते हैं। तो गाइस, ये हमने तेल रख लिया है सॉस पैन में, ठीक है, तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हमने कट कर ली है मिर्च ऐसी, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी लाल होंगी, इसमें हम ये डालेंगे मस्टर्ड सीड्स जो हमने पहले लिए थे। तो ये तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, तो आई थिंक ये हमको अभी मस्टर्ड सीड्स डाल देने चाहिए।
और गाइस इसमें थोड़ा सा ना केयरफुल रहना पड़ता है, अगर ज़्यादा हम फ्राई कर देंगे तो आई थिंक वो थोड़ा सड़ने का स्वाद आता है, सड़ा हुआ स्वाद आता है ना, ज़्यादा जो हो जाता है। तो गाइस इसमें अब डालते हैं पानी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो थोड़ा केयरफुली करिए, मैं एक्चुअली ये काफ़ी बार पहले कर चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी हमारी जो टेक्निक है थोड़ी सी अलग है। और इसमें जो बाकी नींबू बचा हुआ है, नींबू का रस, वो हम डालेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए, ये जो घोल होता है पानी का, इसमें थोड़ा मीठा भी होता है और नमक भी होता है। तो ये हमने आधा चम्मच नमक लिया है, ये इसमें हम डालेंगे। और इन द मीन टाइम इसको बस आपको वाटर जो है बॉयल होना चाहिए, ठीक है। और आपका ये घोल तैयार हो जाएगा, जब बेसन, जब आपका ढोकला बनेगा उसमें आप ये घोल डालेंगे तो इसको आप बहुत मतलब यू विल फाइंड कि इट्स वेरी टेस्टी इसकी वजह से, नहीं तो इसके बिना जो ढोकला है वो काफ़ी मतलब प्लेन लगेगा आपको, ठीक है। अब नज़र डालते हैं इस पर जो हमारा बैटर है। अब इसमें एक बात नोटिस की है मैंने कि ये जो एयर बबल्स अगर आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत छोटे छोटे आए हैं और बहुत कम हैं अभी, तो ये पहले के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें अभी और हमको फेंटना चाहिए, मतलब विस्किंग जो है अभी और होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो हमारा बना था वो इतना फ्लफी नहीं बन पाया था। और रेसिपी में यही लिखा हुआ है, जितना ज़्यादा इसको आप फेंटेंगे उसी से आपका जो ढोकला है वो फ्लफी बनेगा, ठीक है। तो I did this and I realized on the basis of my past experience के अभी जो हमने फेंटा है वो थोड़ा कम है, इसको और विस्किंग की ज़रूरत है, थोड़ा और इसको फेंटते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बॉयल हो रहा है, इसको भी हम गैस को बंद करने वाले हैं, ठीक है। और सेकेंडली ये जो हमने यूटेंसिल लिए हैं जिसमें हम ढोकला कुक करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, ये लुब्रिकेशन के लिए, ताकि वो बेसन जो है वो चिपके नहीं बेस पे। कई लोग इसमें घी डालते हैं, सो इट्स इक्विवेलेंट, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कई लोग बटर भी डालते हैं। तो आप इसको अच्छे से बस चारों साइड्स पे इसको आप अप्लाई करें ऑयल को। और ये जो हमारा, ये जो हमारी कढ़ाई है जिसमें हम इसको कुक करने वाले हैं, ये इसकी पोजिशनिंग होने वाली है, ठीक है। तो अभी इसमें मैं साइड्स में पानी डालने वाला हूँ, पानी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जब तक ये मेरा बैटर थोड़ा सा और फूलेगा, इसमें बबल्स अभी और आने शुरू हुए हैं, ठीक है, तब तक इसमें मैं पानी डाल दिए मैंने, आई टेक दिस आउट और हम थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे, पानी थोड़ा वार्म कर लेंगे और फाइनली फिर इसको हम कुक करेंगे। इसमें पानी थोड़ा कम है, इसमें पानी थोड़ा और डालेंगे अभी। तो गाइस फाइनली इसमें एयर बबल्स काफ़ी आ गए हैं और इसमें अब हम बेकिंग सोडा डालेंगे, 3/4 छोटा स्पून है ये, टीस्पून से छोटे वाला स्पून है ये, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, इसको आप डालेंगे तो डालेंगे इमीडिएटली बाद आप कुकिंग के लिए रख देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये फूलना शुरू हो जाता है। और ये बेकिंग पाउडर है, इसमें भी मैं सेम क्वान्टिटी लूँगा और इसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगा अच्छे से। और मिक्स करते ही इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा इस यूटेंसिल में, और उस यूटेंसिल को मैं कढ़ाई में रखूँगा जहाँ पे पानी थोड़ा और डाला है मैंने, ताकि ये जो रखने वाला हूँ मैं यूटेंसिल, इसका बेस जो है वहाँ तक पानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने मिक्स किया, मिक्स करते ही ये थोड़ा सा फूलने लगा है ना, इट्स राइजिंग एज आई जस्ट एडेड बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो राइट क्वान्टिटी डालने की बहुत ज़रूरत है इसमें, थोड़ा सा कम हो तो ज़्यादा राइज नहीं करेगा, फूलेगा नहीं और ढोकला फ्लफी नहीं बन पाएगा। और अगर थोड़ा सा लेट कर देंगे तो ये वैसे ऑलरेडी काम नहीं करेगा, ठीक है। आइए इसको ट्रांसफ़र करते हैं इस यूटेंसिल में। तो गाइज फाइनली हमने बैटर इसमें डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें एयर बबल्स आए हैं। तो आई होप ये काफ़ी फ्लफी बनने वाला है ढोकला, ठीक है। एंड फाइनली इसको इससे कवर कर देंगे। The only thing that we need to take care of at this point of time is कि हमने गैस फुल पे रखी हुई है, तो it's very likely कि पानी ख़त्म होने वाला है 10-15 मिनट बाद। तो all we have to do is take this lid off और साइडों से पानी हम और डालें, ताकि जो स्टीम बन रही है वो रुके नहीं, बनती जाए, ताकि ढोकला जो है ठीक से कुक हो और अंडर कुक ना रह जाए, ठीक है।
तो गाइस हमारा ढोकला जो है ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें लीवनिंग एजेंट जो है, ये राइजिंग एजेंट है, उससे ये काफ़ी फ्लफी बन रहा है, राइज हो चुका है। ठीक है, अभी इसको चेक करने का क्या तरीका है कि वेदर इट्स कुक्ड कम्प्लीटली और नॉट। एक चाकू लें, उसको आप ऐसे नीचे डालें। ठीक है, अगर तो ये पूरा साफ निकलता है दैट मीन्स के पूरा कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें साफ ही निकला है, कोई मार्क नहीं छोड़ा है। ठीक है, और ये अगर इसमें कोई मार्क आता है, अगर बेसन इसमें लग जाता है, देन दैट मीन्स कि अभी और कुक करने की ज़रूरत है। फिर भी हम दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे डाल के देखते हैं। यहाँ भी देखिए ऑलमोस्ट साफ ही निकला है, एकदम क्लीन है। यहाँ थोड़ा सा अभी कच्चा है, अनकुक्ड है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे, लेट्स से फॉर 2 मोर मिनट्स या 3 मोर मिनट्स। 2-3 मिनट में ये हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है गाइस, हमारा ढोकला ये रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे इसके जो एजेस हैं बहुत फ्लफी हैं, मतलब पोरस एजेस हैं। ठीक है, साइड से भी हैं और ऊपर से भी ऑब्वियसली, और नीचे से भी, साइड से, हर जगह से ये पोरस हैं। दिस इंडिकेट्स कि ये बहुत फ्लफी बने। जो बाज़ार में मिलता है ढोकला, वो प्रोफेशनल्स बनाते हैं, हलवाई बनाते हैं, लेकिन ये जो हमने आधे घंटे में बनाए हैं तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा बना है। इसको आइए टेस्ट करते हैं। तो आई गेस बहुत टेस्टी ढोकला बना है। अब हम ये सोचते हैं कि ये जो हमने आज इवेंट किया है, ये जो इंसिडेंट है, एक्सपीरियंस है, इससे मुझे 2-3 चीज़ें सीखने को मिली हैं। पहला तो ये कि जब हम कुकर में प्लान किया था हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि रेसिपी में लिखा हुआ था प्रेशर कुकर में बनाएं, तो कुकर में फिट नहीं आ रहा था। देन आई थॉट कि इसको कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। तो ये कंक्लूजन है मेरा कि ज़रूरी नहीं है दैट यू नीड टू हैव अ माइक्रोवेव अवन और अ प्रेशर कुकर में इसको आप कुक करें, कढ़ाई में भी बन सकता है जैसे आपने इस वीडियो में देखा है। और सेकेंडली, ये हाफ एन आवर में बन जाना चाहिए, मतलब अगर कोई गेस्ट आते हैं आपके घर में तो आप आई थिंक स्टार्टिंग में जो आप चाय वगैरह देते होंगे, तो विद इन हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में ये बन जाता है। और ये हमने डबल क्वांटिटी ली है, रेसिपी में था 100 ग्राम्स, तो ये 200 ग्राम्स हैं, तो आई गेस ये हम 3-4 लोग आराम से खा सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये बहुत हेल्दी है, इसमें हमने केमिकल्स नहीं डाले हैं। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़रूर डाला है लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता है अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें। और अगर आप जो फ्राइड नमकीन वगैरह खाते हैं चाय के साथ, उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो गाइज, आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि अभी हम ये कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो एक्शन है, उसके ऊपर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कि हमने क्या इसको पहले तो इवेलुएट किया। इवेलुएट आपको बताया मैंने, इवेलुएशन बोला कि ये बहुत अच्छा बना है, अगर इसमें कोई खामियाँ होती तो मैं वो भी बताता आपको, लेकिन अभी इसमें कोई खामी मुझे नज़र आ नहीं रही है, कोई कमी नज़र आ नहीं रही है। ठीक है, तो इवेलुएशन ये है कि बहुत अच्छा बना है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने घर पर बनाया और हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम ढोकला रोज़ नहीं बनाते हैं। और एनालिसिस आपको बताया मैंने अच्छा क्यों बना है, क्योंकि जो भी हमने क्वांटिटी ली है हर चीज़ की, उसको ध्यान से मेजर किया है और प्रॉपरली इसको कुक किया है, रेसिपी को प्रॉपरली फॉलो किया है। कोई भी एक स्टेप रेसिपी का मिस करते ना हम गाइस, तो ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर होती। और फाइनली कंक्लूजन आपको मैंने बताया कि हाँ जी, कंक्लूजन ये है कि ये क्वालिटी में बिल्कुल अच्छा बना है। ठीक है, तो ये जो रेसिपी है बिल्कुल ठीक है, जहाँ से भी हमने ली है, हालांकि ये मेरी मदर ने किसी कुक बुक से ली है, उनको थोड़ा याद भी था। ठीक है, तो ये फ्लफी जो है दैट मीन्स कि ये रेसिपी एकदम काम करी है हमारे लिए। और लास्ट में ये मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने भी ढोकला बनाया है, अगर आप बनाना जानते हैं तो बनाइए, अपनी वीडियोज़ या फोटोज़ या कमेंट सेक्शंस में डालिए। ठीक है, और गाइस लास्ट में जो मेरा एक्शन प्लान है, जो आगे के लिए मैं करने वाला हूँ, वो ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ढोकला बनाऊँगा, एक तो मैं इसको बैटर को थोड़ा रख दूँगा हाफ एन आवर के लिए या एटलीस्ट 1 आवर के लिए। ठीक है, उससे क्या है कि इसकी क्वालिटी जो है ना और बढ़िया बनेगी, ये और ज़्यादा फ्लफी बन सकता है। ये नहीं कि ये फ्लफी नहीं है, ठीक है, लेकिन और ज़्यादा ये आई थिंक इतना राइज हो सकता है। तो ये आगे के लिए मेरा एक प्लान है जो मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ।
और नमक मिर्च तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा है नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और स्पाइसी रखूँगा इसको मैं। ये जो मिर्च है ये थोड़ी और इंक्रीज़ करूँगा मैं, ताकि जो पानी इसमें हमने डाला है घोल पानी का वो थोड़ा सा स्पाइसी जाएगा। और इवन बैटर में भी जो हमने मिर्च डाली है उसको थोड़ी मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम में भी मैं लाल मिर्च डालूँगा थोड़ी सी, हमने काली मिर्च डाली थी इस टाइम। और बस यही मेरा आगे कलेक्शन प्लान है। तो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। ये और स्पेशली मैं नेहा मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने हमको काफ़ी इंकरेज किया है डे वन से कि आप रिफ्लेक्शंस लिखें। और ये आई थिंक टूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है कि जब हम ब्लॉग्स लिखते हैं या ऑडियो ब्लॉग्स हम अपलोड करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो ब्लॉग है। तो नेहा मैम थैंक यू सो मच फॉर इनकरेजिंग अस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय गाइज़।